Oh, thank you very much. Now Sri Dilip, Dilip Turki. थैंक यू उप सभापति जी. कोई बोला नहीं. सबसे पहले मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि दोबारा इस बिल संशोधन करके लाए हैं. महोदय, इस विधेयक से हरियाणा और कर्नाटक के अलावा उड़ीसा के कुछ समुदाय को एससी लिस्ट में शामिल करने की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है. यह बहुत जरूरी कदम था. ये जातियाँ काफ़ी पिछड़ी और आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर थे और इस लिस्ट में शामिल होने का हकदार थे. मैं इस अवसर पर मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जातियों के अलावा भी उड़ीसा सरकार ने कई दूसरी जातियों को एससी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की हुई है. कृपया उस पर भी ध्यान देने की कृपा करें. कई बार जाति के नाम पे मांग से हेरफेर से कुछ समुदाय एससी एसटी लिस्ट में शामिल होने से वंचित हो जाते हैं. मैं अपने इलाके सुंदरगढ़ में ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसके रिश्तेदार एससी लिस्ट में हैं मगर किसी दूरी पर किसी टेक्निक कारण से इससे बाहर हैं. इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लिस्ट की एक बार ठीक से स्टडी कर लिया जाए. इसके अलावा आज केंद्र सरकार विभिन्न विभागों में पीएसयू एससी एसटी कोटे पर पद बड़ी संख्या में खाली पड़ी हैं. इस पदों के भरने के लिए आप स्पेशल ड्राइव चलाएं, तभी ऐसे संशोधन का असली फायदा होगा. कई पर ऐसी रिपोर्ट आती है कि सरकार विभाग ने एससी एसटी फंड का डाइवर्सन किसी और काम के लिए दिया जाता है और कई बार इसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता. यह बहुत गंभीर मामला है. मंत्री जी, कृपया आप इसे भी देखिए. देश में आज एससी एसटी पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. यह बहुत चिंता की बात है. इसको रोकने के लिए जो बिल लाया गया था वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है. इस बिल को जल्द से जल्द पास कराइए. महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सरकारी नौकरियों में संख्या बहुत कम है. 10% से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी में नहीं जाते हैं. इसलिए अगर हम सचमुच एससी एसटी का विकास चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए आरक्षण लागू करना बहुत जरूरी है. अमेरिका जैसे विकसित देश में भी प्राइवेट सेक्टर में अश्वेतों के लिए अफर्मेटिव एक्शन के नाम से आरक्षण की व्यवस्था है. प्रधानमंत्री का सबसे सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वह तभी साकार होगा जब एससी एसटी भी समाज के मुख्य धारा में आए और उनका अवसर मिले. इसलिए सरकार को इसके बारे में आम सहमति बनाने के लिए पहल करनी है. अंत में मंत्री जी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो क्रिश्चियन समुदाय दलित हैं और मुस्लिम दलित हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल करने के प्रयास करेंगे. इन्हीं सबों के साथ मैं इस विधेयक के समर्थन करता हूँ. धन्यवाद.